सेक्स स्कैंडल्स ये एक तरह के पब्लिक स्कैंडल्स हैं जहां बड़ी हस्तियां, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिल्म स्टार्स हो, इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज में लिप्त पाए जाते हैं। सेक्स स्कैंडल्स जब किसी पॉलिटिकल एंटिटी द्वारा किए जाते हैं तब इन्हें पॉलिटिकल स्कैंडल बोला जाता है। हाल फिलहाल में देश के दक्षिणी राज्य कर्नाटक की लोकसभा सीट हासन से सांसद प्रज्वल रवन्ना और इनके पिता एचडी रवन्ना के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का मामला प्रकाश में आया है। बात करते हैं विस्तार से इस बारे में, उससे पहले मैं हूँ स्वर्णिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं शब्दसाची। यहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से इस स्कैंडल का गहरा कनेक्शन निकल कर सामने आता है। कैसे? दरअसल एचडी रवन्ना इनके बेटे और प्रज्वल रवन्ना इनके परपोते हैं। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब राज्य में लोकसभा चुनाव से दो दिन पहले सांसद के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में सेक्सुअल असॉल्ट के अश्लील वीडियोस वायरल हुए, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करवाया। अब इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपको इतना बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महिलाएं जो मामले में पीड़ित थी उन्होंने बीते 10 दिनों में अपने घर छोड़ दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दुकानदार का कहना है कि पूरा जिला एचडी रवन्ना के कंट्रोल में है, अगर आप उनके खिलाफ कुछ भी बुरा कहते हैं तो इसके बहुत चांसेस हैं कि बात उन तक पहुंच जाएगी, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। इन सब के बीच प्रज्वल रवन्ना जर्मनी चले गए और मौके का फायदा उठाकर विपक्ष ने सरकार से प्रज्वल रवन्ना को वापस भारत लाने की गुहार लगा दी है। अब इस कहानी पर जरा ब्रेक लगाते हैं और रुख करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर। आप बोलेंगे कि क्यों, है कनेक्शन है, सुनिए। आतंकियों को पनाह, ध्वस्त अर्थव्यवस्था, नाम का लोकतंत्र और इन सब के पीछे जो फोर्स है वो है पाकिस्तानी सेना। इसी पाकिस्तानी आर्मी का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म का ये मामला रोंगटे खड़े कर देता है। 600 से ज्यादा वीडियोस वायरल हुए हैं और कर्नल से लेकर मेजर रैंक तक के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। ये मामला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के काबिलाई इलाके का है। पाकिस्तानी सेना ने इसे झूठा कहा है, लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सेना का एक बेहद करीबी दुकानदार ताहिर कबादी गरीब बच्चों की सप्लाई का काम करता था, यानी यहाँ मानव तस्करी का मामला भी प्रकाश में आ रहा है। ताहिर कबादी बच्चों को लालच देकर इन सेना के अधिकारियों के पास भेजता था और उसने ही बच्चों के यौन शोषण के वीडियोज भी बनाए। इतना ही नहीं, वो इन वीडियोस का इस्तेमाल करके बच्चों के माँ बाप से पैसे भी ऐंठ रहा था, यानी ब्लैकमेलिंग। एक बार फिर आप सभी का ध्यान मैं इस स्कैंडल से हटाकर कहीं और ले जाना चाहूंगी, एक फिल्म की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कैंडल और फिल्म, इनका क्या कनेक्शन? हालांकि फिल्मी जगत इन सब में पीछे नहीं है, लेकिन अभी ध्यान राजनीतिक स्कैंडल्स पर ही केंद्रित रखेंगे। नेटफ्लिक्स में हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई, भक्षक। ये मूवी बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम्स में बड़े स्तर पर हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट पर बेस्ड है। बड़े राजनीतिक चेहरे इस स्कैंडल में लिप्त थे। फिल्म के बारे में बताकर स्पॉइलर देने का काम यही छोड़ते हुए इतना ज़रूर कहूँगी कि फिल्म ज़रूर देखिए और यकीन मानिए इसके लिए आपको फिल्मों का शौकीन ना होने का बहाना बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। विषय को समेटते हैं। इन सभी स्कैंडल्स में एक बात कॉमन है, पावर, सत्ता। सियासत के इस खेल में रैली, चुनाव, संसद, सोफिस्टिकेटेड मीटिंग्स के बीच ये स्कैंडल्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी लोगों के पॉलिटिकल करियर को गिरा दिया तो कई मामले आए गए हवा हो गए। साल 2006 में एक ऐसा ही बड़ा स्कैंडल हुआ था जहां इस कदर लोगों का गुस्सा फूटा कि वो सड़कों पर उतर आए थे। उनकी मांग थी कि स्कैंडल में जितने भी बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट्स और नामी लोग शामिल हैं उनके नाम उजागर किए जाएं। मामला आगे बढ़ा तो शबीना नाम की औरत का नाम सामने आया जो अपने पति के साथ मिलकर रैकेट चलाती थी। लोगों ने इसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और आरोप लगाए कि पुलिस महिला को बचाने का काम कर रही है। ताज्जुब की बात है कि साल 2006 में घटे इस स्कैंडल पर फैसला सुनाया गया साल 2018 में, 10 साल से भी ऊपर। इस दौरान शबीना और उसके पति की मौत हो गई। मामले में 5 मुख्य
दोषियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक बीएसएफ का डीआईजी भी था। इस सब से इतर इन तथाकथित हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स में सियासत की रोटियां भली भांति सेंकी जाती हैं, और मामला यही नहीं थमता। इस पर घी लगाकर मीडिया कई दिनों तक टीआरपी बटोरने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, और छोड़े भी क्यों। बात बस इतनी सी है कि सत्ता, स्कैंडल और टीआरपी की इस भूख में कई बार कई मामले कागजों में दफन हो जाते हैं। लेकिन इसे आप मानवीय अस्तित्व की खुशकिस्मती कह सकते हैं कि इसे दफन होने से हम और आप रोक सकते हैं, सजग होकर, सच को सच सा बोलकर। और अगर आपको ऐसा करने से डर लगता है तो क्रांतिकारी चे गुएरा की एक पंक्ति है कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वो मारे ना जाएं। उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो काम का लगा तो इसे देखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसी तरह के और भी कॉन्टेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।